आपको सर परवेज भाई साहब मिले सर आपको नहीं परवेज भाई साहब इस वक्त घर पे नहीं है सर के लिए क्या मिले हैं उन्हें परवेज भाई साहब इस वक्त आपको सर्च में हमें नहीं मिले जी देख रहे हैं इसके बाद आपको क्या अगला लाया मतलब जी हम तलाश करेंगे नहीं अभी इस घर में पुलिस रुकेगी सर कि पुलिस अभी यहाँ से वापस चली जाएगी तमाम टीमें तलाशी ले लेंगी जो तलाशी लेने गई हुई है ठीक है तो जो लोग अंदर मौजूद थे जो खातून निकली थी उन्होंने क्या बताया परवेज भाई साहब के बारे में कि वो चले गए हैं या नहीं है उन्होंने ये निशानदेही की थी कि सामने वाले घर में तो कोई इन्होंने कोई बेल पेपर भी आपको दिखाया जिसका ये दावा कर रहे थे नहीं जी हमें कोई ऑर्डर शीट नहीं दिखाई गई वकील साहब की अपने लेटर पैड पे एक तहरीर थी उन्होंने पिटीशन यकीन जमा कराई होगी लेकिन ऑर्डर शीट कोर्ट की नहीं थी आप गिरफ्तारी के बाद वापस जाएंगे यहाँ से कि वैसे चले जाएंगे यहाँ गिरफ्तारी करेंगे हम तलाशी कर रहे हैं जी परवेज लाई साहब के अलावा भी किसी को गिरफ्तार करने की जो है आप फिलहाल सिर्फ परवेज लाई साहब पे जी सर सर्च वारंट जब FIR होती है तो सर्च वारंट की जरूरत नहीं होती नहीं सर्च वारंट इन्होंने आपसे मांगा था आपके पास फिलहाल नहीं है नहीं जी हमने चौधरी साहब से मुलाकात का होता था कि हम उनको इज्जत से साथ लेके जा सके वकील साहब ने कहा कि नहीं जी हम बेल करा लिए जी मुलाकात इस 2000 पुलिस वालों के साथ होती है नहीं जी 2000 पुलिस वाले नहीं थे हमने गेट पर 2000 से भी ज्यादा पुलिस वाले 2000 लेकिन पुलिस को और एंटी करप्शन टीम को मजामत का भी सामना करना पड़ा जी जी यही हम इस बात का अफसोस है हमें क्योंकि हमने जो है बिल्कुल सिविल पुलिस के तौर पर बड़े शायस्तगी और कानून के दायरे में तो सर ये भी चल रहा है कि सर ये भी अच्छा दरवाजे भी टूटे हैं सारे घर के खिड़कियां भी टूट गई हैं सर आपके सामने ही है सर ये एक बात कंफर्म कर दें ये चलाया जा रहा है कि आपको कहीं से आला ओहदे से किसी से फोन भी आया है जब आप वापस जा रहे थे कोई ऐसी भी सर खबर है ये कंफर्म कर दें या तर्दीद कर दें ऐसा कोई फोन नहीं आया सर इससे पहले ऐसा कौन सा ऑपरेशन है कि रात गए आपको ने उसी वक्त और ये कल रात को पर्चा दिया गया सर जी कल रात को रजिस्टर हुआ इंक्वायरी के बाद रजिस्टर हुआ अच्छा सर मुमी तौर पे एक सवाल है बस ये लोग जानना चाहते हैं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आम मुलजमान के ऊपर भी ऐसे ही फाल होती है और रेड कंडक्ट करती है जैसे चौधरी परवेज लाई साहब के ऊपर किया गया या फिर इसमें कोई पॉलिटिकल सोच भी कार फरमा है नहीं जी जो FIR दर्ज होती है उसके मुलजमान को गिरफ्तार करना होता है खुसूसन जब मुलजमान शामिल तफ्तीश न हो रहे ओके